हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर आराधिका। वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ एक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन। हमेशा मैं कुछ ना कुछ डिजीज़ के बारे में बोलती रहती हूँ, तो फर्स्ट आज मैं अपनी ये वीडियो बना रही हूँ एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। और स्पेशली एवरी होम्योपैथ के पास ये मेडिसिन एकदम ज़रूर रहती है, और ये बहुत ही कॉमन है। ये हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी को किसी भी कंडीशन में बिल्कुल और बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मेरी इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए देर ना करके शुरू कर देते हैं, लेट स्टार्ट। तो मेडिसिन का जो नाम है वो है आर्निका मोंटाना। इसका फुल नेम है आर्निका मोंटाना और उसको हम आर्निका बोलते हैं। कॉमन नेम है लियोपार्ड बेन, और ये प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है ये मेडिसिन। ये एक प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये ज़्यादा माउंटेनियस रीजन में यानी पहाड़ी इलाकों में मिलती है। इसका चीफ एक्शन है हमारे ब्लड एंड ब्लड वेसल्स में। इट पोजेसेस द पावर ऑफ एब्जॉर्बिंग ब्लड। ये कैपिलरी स्टेसिस या फिर इकाइमोसिस, यानी कहीं पे भी ब्लड क्लॉट हो जाए, स्टेसिस हो जाए, इसके वजह से नीला पड़ जाए बाहर, चोट आए, या आपने नोटिस किया होगा कहीं पे भी हमें चोट आती है तो वो जगह बहुत ज़्यादा चोट आती है तो वो जगह एकदम नीला पड़ जाता है, वो ब्लड क्लॉटिंग के वजह से होता है, वो वहाँ पे ब्लड जम जाता है। तो वो आर्निका क्या करती है, उस जमे हुए ब्लड को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। उस मेडिसिन से ये एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड, और उसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे सेप्टिक कंडीशन नहीं पैदा हो सकती। ये प्रिवेंट करता है इसे, ये इसे रोक देता है और वो पार्ट को ये रिकवरी कर देता है। और इसके अलावा भी आर्निका का बहुत सारा यूजेस है, तो मैं एकदम शुरू से बोलती हूँ। पहला है, मैं अगर बोलूँ तो एक मेडिसिन का हमारे होम्योपैथी में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है हर एक मेडिसिन का। तो आर्निका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ ऐसा है कि पर्सन उसका जो पर्सन है, आर्निका मेडिसिन का जो पर्सन है वो स्पेशली कुछ ऐसा दिखेगा कि बहुत ही आलसी होगा, हमेशा बैठा रहता है, प्लेथरिक यानी कुछ भारी शरीर होगा, और हमेशा उसका मूड कभी ऑफ रहता है, कभी बहुत खुश हो जाता है, चेंजेबल मूड होता है उसका। और उसके साथ पेशेंट बहुत चिली पेशेंट होता है, नर्वस पेशेंट होता है, ठंड लगती है ज़्यादा और बहुत नर्वस होता है। तो ये तो थी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब चले जाएंगे हम उसकी मेंटल कंडीशन पे। ये आर्निका का जो मेंटल स्फीयर है यानी उसका जो मानसिक स्थिति है, कैसा है आर्निका का मानसिक स्थिति। जब भी कोई बात उस पेशेंट से या फिर उस इंसान से पूछा जाए तो वो क्या जवाब देने की स्थिति में नहीं रहता। ऐसा लगेगा आपको कि वो तो सुन ही नहीं रहा है, कहीं उसका मन और ही है, वो ऐसे आँख बंद हुए या फिर आँख पूरी तरह नहीं, थोड़ा बंद हुआ है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है। ऐसा है कि वो यहाँ पे कॉन्शियसनेस ही नहीं है उसका, आप क्या पूछ रहे हो, क्या बोल रहे हो, वो सुन ही नहीं रहा है। लेकिन जब वो आप क्वेश्चन पूछ लेते हो या फिर कुछ बोल देते हो तो उसके बाद झट से वो आंसर दे देता है, लेकिन आंसर देने के बाद ही तुरंत फिर से वही कंडीशन में चला जाता है, कम्प्लीटली एब्सेंट ऑफ माइंड। कभी भी उसका माइंड एक जगह पे, जो जहाँ पे वो है वहाँ पे उसका माइंड कभी भी नहीं रहता, हमेशा एब्सेंट ऑफ माइंड। वो जहाँ पे बैठा है, जो चीज़ हो रही है उसके लिए उसका कोई मन नहीं है,
कहीं और पे मन होगा और उसके साथ वो हमेशा हर चीज़ पे कुछ इंडिफरेंस सा उसका बिहेवियर है। नहीं मैंने ये कुछ हो रहा है घर में, उससे कोई उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई अच्छी कोई चीज़ हो रही है, सब लोग एक्साइटेड है, लेकिन वो ऐसे बैठा है, ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एवरीथिंग उसके लिए सब कुछ ही एक इंडिफरेंस सा बिहेवियर करता है, हमेशा इंडिफरेंट टू एवरीथिंग। हमेशा वो दुखी रहता है, स्पिरिट लो होता है, डिप्रेशन में रहता है, अकेला रहता है, उदास रहता है और हमेशा डरा हुआ रहता है। कभी इससे डरता है कि अगर कोई सामने से आए तो वो उसे छू ना ले, उसे अगर छू ले तो शायद उसे बहुत दर्द महसूस होगा। और उसके साथ हमेशा उसे एक डर रहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मरने वाला हूँ। नाउ नेक्स्ट मैं आ जाती हूँ इंजुरी पे। आर्निका का इंजुरी ही उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आर्निका इंजुरी के बारे में कितना हेल्पफुल है ये शायद बहुत सारे लोगों को, जनरली ऐसे ही नॉन मेडिकल पर्सन्स को भी पता है। आर्निका जब भी आप किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से ब्लंट इंजुरी हो आपके बॉडी में किसी भी पार्ट में, तो वह आर्निका बहुत ही एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जिनके घर में बच्चे हैं उनके घर में ये आर्निका मेडिसिन रहना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तो हमेशा ही गिरते पड़ते रहते ही हैं, तो इसीलिए उनको तो आर्निका मेडिसिन रखना बहुत ही ज़रूरी है। और बच्चों के लिए आर्निका का जो 6 पोटेंसी है वही काफ़ी है। अब मैं आ जाती हूँ कि आर्निका, ये जो मैंने बोला है अभी रिसेंट इंजुरीज़ के बारे में बोला है, आर्निका रिसेंट इंजुरी में बहुत अच्छा काम करता है, यानी अभी आपको चोट आई है तो आर्निका खा लो तो बहुत ही काम करता है। लेकिन इसके अलावा आर्निका लॉन्ग एंगो इंजुरी या फिर क्रॉनिक इंजुरी में भी बहुत अच्छा काम करता है। पुरानी कोई इंजुरी, जैसे कि 5 साल पहले आपको किसी पार्ट में बॉडी के हाथों में या फिर सर में, पीठ में, पैर में, कहीं पे भी बहुत भारी चीज़ से कोई चोट आई थी, लेकिन आपने उसे अवॉइड किया, निगलेक्ट किया, कोई मेडिसिन नहीं लिया, उसे कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं दिया, लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद वहाँ पे एक छोटा सा स्वेलिंग या फिर वहाँ पे कुछ ग्रोथ आपको दिखाई दिया, एक्स्ट्रा ग्रोथ, तो आप सोचेंगे कि ये क्यों हुआ है, लेकिन शायद ये आपकी वो लॉन्ग एगो इंजुरी, क्रॉनिक इंजुरी जो है उसके वजह से वहाँ पे हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं, वहाँ पे ऐसे ही आपको बहुत ही पेन शुरू हुआ है, या फिर हेड में कोई इंजुरी हुई थी लेकिन अब 5 साल बाद या 10 साल बाद हेडेक, बहुत ही एक ज़ोरदार हेडेक आपको सडनली स्टार्ट हुआ है, कोई रीज़न नहीं मिल रहा है, कुछ टेस्ट वगैरह किए हैं लेकिन कुछ भी रीज़न नहीं मिल रहा है क्यों ये हेडेक हो रहा है मुझे, तो ये आर्निका अगर आप हायर पोटेंसी में लेंगे तो इस कंडीशन में ये जो आपका कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रॉनिक इंजुरी यानी पुराने इंजुरी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो एकदम ठीक हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट मैं आ जाती हूँ आई इंजुरी। आर्निका आई इंजुरी में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। जब किसी चीज़ से, भारी चीज़ से अगर आई में भी इंजुरी हो जाए, हमारा जो ये कंजंक्टिवा है, वाइट पार्ट जो है या फिर अंदर जो रेटिना है वहाँ पे इंटरनल हेमरेज हो जाता है, लाल दिखाई दे पड़ता है, तो उस कंडीशन में आर्निका इज़ एन इनफैलिबल रेमेडी। सो लास्ट ऑफ ऑल इंजुरी का जो कैरेक्टर होगा, जो लुक होगा, आउटर लुक आर्निका का, वो होगा ब्लू एंड ब्लैक विथ एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नाउ मैं आ जाती हूँ आर्निका का जीआई ट्रैक्ट के प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ, स्टोमक प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट जो है आर्निका के, वो उनको खट्टी चीज़, विनेगर जैसी, विनेगर का बहुत ही लॉन्गिंग होगा, बहुत ही उनको खाने का मन होगा, और वो मीट यानी मांस और दूध, मिल्क, इन दोनों चीज़ को बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, और उनकी जो डकार है उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्मेल है डकार का, बहुत ही गंदा स्मेल होगा, एकदम टेस्ट मुंह में ऐसा लगेगा कि जैसे कोई रोटेन एग यानी जो अंडा है वो ख़राब हो गया है, ख़राब अंडे का जो टेस्ट है या फिर स्मेल है वो मुंह से निकलेगा। नाउ कॉन्स्टिपेशन, जो आर्निका पेशेंट है उनके कॉन्स्टिपेशन कैसे हो, कौन से कॉन्स्टिपेशन के केसेस में आर्निका दिया जा सकता है,
जब किसी महिला का यूटरस का पोजीशन ठीक ना हो, मेल पोजीशन हो, रिट्रोवर्टेड यूटरस हो, या फिर किसी पुरुष का प्रोस्टेट ग्लैंड में समस्या हो, इनलार्ज्ड प्रोस्टेट हो चुका है, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो चुका है, तो उस पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, इरेगुलर स्टूल हो, तो आर्निका इज वेरी गुड मेडिसिन। एंड कॉन्स्टिपेशन का कैरेक्टर ऐसा होगा कि ऐसा सेंसेशन होगा कि बहुत सारा स्टूल जमा हुआ है, लेकिन जब जाते हो स्टूल में तो उतना स्टूल नहीं होता, होता है थोड़ा लेकिन क्लियर नहीं। आर्निका का डिसेंट्री का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। डिसेंट्री में क्या होगा कि उसको डिसेंट्री के साथ साथ इस्टूरिया का प्रॉब्लम भी होगा। इस्टूरिया यानी यूरिन ना होना या फिर यूरिन कम होना। डिसेंट्री का जो कैरेक्टर है स्टूल का, वो ऐसा होगा कि बहुत ऑफेंसिव होगा, बहुत ही दुर्गंध होगा, बहुत ही गंदा पुट्रिड होगा, ब्राउन होगा और अनिच्छाकृत होगा। बिल्कुल ऐसा होगा कि होता ही चला जा रहा है, पेशेंट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इनवॉलेंटरी मोशन। नाउ मैं आ जाती हूँ आर्निका के रियूमेटिज्म पे। रियूमेटिज्म का कैरेक्टर है असेंडिंग टाइप, यानी नीचे से ऊपर तक चढ़ता रहता है। पैरों से शुरू होता है, धीरे धीरे ऊपर आता है, या फिर हाथों से शुरू होगा तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। ये है इसका रियूमेटिज्म का पिकुलियर कैरेक्टर। और उसके साथ जो रियूमेटिक पेन है वो कैसा कैरेक्टर में होगा, पेशेंट बहुत ही डरा हुआ होगा कि अगर सामने से कोई उसके आ रहा है तो उसे इतना डर लगेगा कि शायद वो आके मुझे छू देगा। तो छूने से क्या होगा, वो ओवर सेंसिटिव टू पेन है, उसे इतना दर्द है और वो छूने से दर्द बढ़ जाता है। अगर हल्के से भी ऐसे टच कर दे तो उससे बहुत उसे दर्द होता है और वो हमेशा आराम पाने के लिए सोना चाहता है। लेकिन जब किसी जगह पे वो सोता है, कुछ देर बाद ही उसे वो जगह अच्छी नहीं लगती, वो जगह उसे हार्ड लगती है, कि ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड फील हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, तो सॉफ्ट कोई जगह वो खोजने के लिए चला जाता है, फिर से पोजीशन चेंज करता है और हमेशा ही ऐसे ही कुछ देर बाद रेस्टलेसली पोजीशन चेंज करता रहता है। पेन का जो कैरेक्टर है कुछ ऐसा है कि सारे बदन में बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द है जैसे कि लंगड़ापन का महसूस होना, दर्द ऐसा हो कि जैसे ये हाथ में दर्द हो रहा है और हाथ बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि पैरालाइज्ड हो गया हो, और बहुत ही खिंचाव महसूस होना बॉडी में, और ऐसा लगे कि जैसे बहुत ज़ोर से किसी ने उसके उसको पीटा है और उस पीटने के बाद जैसा दर्द होता है बॉडी में, ऐसा दर्द उसको फील हो। नाउ एक स्किन की छोटी सिम्टम है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हेल्पफुल है, स्पेशली इस सीज़न में क्योंकि अभी समर सीज़न चल रहा है। वो है स्मॉल पेनफुल बॉयल्स की टेंडेंसी, वन आफ्टर अनदर। छोटे छोटे जब बॉयल्स यानी फोड़ा जब होते हैं किसी को, और वो एक के बाद होते ही रहते हैं, उसको टेंडेंसी है ये फोड़े की और बहुत पेनफुल होते हैं, तो उस कंडीशन में आर्निका बहुत ही हेल्पफुल है। नाउ आई कम टू फीवर ऑफ आर्निका। आर्निका का फीवर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो मैंने अभी सिम्टम्स बोले हैं मेंटल कंडीशन के थोड़ी देर पहले आर्निका के, तो वो मेंटल कंडीशंस फीवर में भी होंगे। फीवर में पेशेंट ऐसे ही बड़बड़ाता हुआ रहेगा और हमेशा फीवर में डिस्चार्ज जो भी होंगे वो बहुत ही ऑफेंसिव होगा, यानी बहुत ही दुर्गंध होगा, और जो पेन है बॉडी में वो पेन बिल्कुल जैसे मैंने पहले पेन का कैरेक्टर बोला है वैसे ही होगा, बिल्कुल बीटन एज इफ बीटन पेन होगा, लेमनेस फील होगी, सोरनेस फील होगी बॉडी में, और उसको कभी भी किसी भी जगह पे उसको आराम नहीं मिलेगा। ऑलवेज ही इज़ रेस्टलेस, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ए सॉफ्ट पार्ट। एंड उसका फीवर स्पेशली जो मेनिंजियल फीवर में आर्निका बहुत ही हेल्पफुल है। वहाँ पे एक बहुत पर्टिकुलर कैरेक्टर है, वो है कि हीट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कोल्डनेस ऑफ द लोअर पार्ट, ये आर्निका का एक बहुत ही पर्टिकुलर सिम्टम है मेनिंजियल फीवर के केसेस में।
किसी ब्रेन इंजरी के वजह से, ब्रेन में इंटरनल इंजरी के वजह से अगर मेनिनजियल फीवर हो तो उस कंडीशन में ये सिम्टम्स होने पर आर्निका मेडिसिन प्रेफर किया जा सकता है। और टाइफॉइड फीवर में भी फर्स्ट स्टेजेस में आर्निका मेडिसिन इज़ वेरी हेल्पफुल। विद दैट ऑल काइंड ऑफ मेंटल सिम्टम्स एंड ऑल दैट पेन कैरेक्टर जो मैंने अभी बोला है, उन सारे सिम्टम्स अगर प्रेजेंट हो तो आर्निका इज़ वेरी गुड मेडिसिन। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूज़ बोलने वाली हूँ जो शायद सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही बेनिफिशियल होगा, वो है आर्निका का एक्सटर्नल एप्लीकेशन। जी हाँ, आर्निका मदर टिंचर में भी यूज़ किया जा सकता है। आर्निका पोटेंसी में तो यूज़ किया ही जा सकता है, लेकिन उसके साथ मदर टिंचर भी बहुत हेल्पफुल है। एक बेनिफिशियल पार्ट है आर्निका मदर टिंचर का हेयर फॉल में। अगर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो अगर वो आर्निका मदर टिंचर अपने स्कैल्प में रेगुलरली लेके हाथों से, आर्निका मदर टिंचर लिक्विड में होता है, अगर लेके हाथों से स्कैल्प में उसे मैसेज करे, रेगुलरली यूज़ करे, तो उसका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी क्योर हो जाएगा, वो स्टॉप कर देगा। यस, आर्निका इज़ ए वेरी गुड मेडिसिन टू चेक योर हेयर फॉल एंड ऑल्सो टू ग्रो योर हेयर ब्यूटिफुली। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो है कि माँ बनने के बाद जो औरतें जिनको प्रॉब्लम होती है पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद या फिर सिजेरियन के बाद यूरिन कम हो जाना या फिर यूरिन ना होना या फिर बहुत एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है, तो उन कंडीशंस में यानी परप्यूरल कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस जो भी होंगे, तो उस कंडीशन में आर्निका बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत तुरंत काम। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल रही होगी। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये बेनिफिट्स मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और स्टे हेल्दी एंड फिट।